नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डेल 41 में। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूं दिल्ली 41 से, इसीलिए मेरे चैनल का नाम है डेल 41। और ये चैनल मैंने बनाया है आप सभी लोगों को अच्छे अच्छे व्यू और पूरी इंडिया की राइड कराने के लिए। हम लोग अपनी राइड को स्टार्ट करेंगे कुल्लू से, और पहले जाएंगे पार्वती वैली, और वहाँ से फिर आगे राइड कंटिन्यू करेंगे जिस्पा में हमारा स्टॉप होगा। घूमते घूमते हम पहुंच गए कुल्लू, और कुल्लू से जाएंगे कहां पर दिखाएंगे नज़ारे। और हमारे साथ है अनिल जो कैमरे के साथ अपना काम दिखाएंगे, और हमारे स्पॉन्सर मैं संजय कुमार हम जाएंगे ऑटो शेड से, ये स्पॉन्सर करेंगे हमें। ऑटो शेड क्या है, कारों का इंटीरियर करती है अंदर से, उसका अलग वीडियो आएगा। कार सीट कवर का काम है अपना जीरकपुर में, मोहाली चंडीगढ़ में, उसका स्पेशल कोई वीडियो आएगा। और अनिल अपना वीडियो एडिटिंग वीडियो सारा यही देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब हम अभी कुल्लू आए हैं, कुल्लू से आगे फिर हम जाएंगे सिंकुला पास। बारिश का मौसम है जिसकी वजह से व्यू इतने शानदार दिखते हैं कि पूरे रोड गीले हैं और रोड पर ट्रैफिक भी नहीं है। सामने जो मेरे क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं उनके अंदर जो कलर है ये नेचुरल कलर यहाँ पे है, और वैली के बीच से ये रोड जाती है। कुल्लू से 15 किलोमीटर पहले हमने ये छोटा सा पॉइंट देखा है, कितना खूबसूरत है। स्नैक्स आएंगे यहाँ पर, स्नैक्स आएंगे भाई, थोड़ी यहाँ घुमा दे। अभी हम लोग पहुँचे हैं पार्वती वैली, जो कि एक सुंदर और प्यारी सी घाटी जिसके बीच से होके निकलती है माँ पार्वती नदी। और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना वो मन को इतना खुश कर देता है। पानी की साउंड है, और इसके साइड में है एक छोटा सा कैफ़े जहाँ हम लोग पियेंगे अभी चाय, और सामने हमारे होने वाला है सनसेट। ऐसा मौसम और ऐसा नज़ारा, और साथ होती है बारिश, और आदमी को कुछ नहीं चाहिए, ठंडी हवा और गरम गरम चाय, साथ में कुछ रहे। आज का व्यू देख के मज़ा आ गया। मतलब वैसे इस कैफे पे हम लोग चाय, इसका नाम दिखा देता हूँ, आप भी जब आएँ तो यहाँ ज़रूर रुके, क्योंकि यहाँ से पूरी वैली दिखती है। वैली से क्रॉस करने के बाद में जैसे ही आप आएंगे बाहर की तरफ, हम लोग अभी जाएंगे अटल टनल की तरफ, और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं ना कि माउंटेन्स पे स्नो है और उसके ऊपर हैं क्लाउड्स। प्यारा मौसम है, अभी बारिश भी चली गई और हल्की हल्की खिली है धूप। पूरा एकदम पहाड़ों पे ग्रीनरी इस तरीके से है, जहाँ से भी आप देखते हैं मतलब पूरी हरियाली नज़र आती है। यहाँ पर लोकल जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर पशुपालन भेड़ों का करते हैं, और इन्हें यहाँ के लोग गडरिये भी कहते हैं। ये लोग भेड़ चराने के लिए पूरी लद्दाख वैली में घूमते हैं, और लगभग 200 किलोमीटर तक का सफ़र ये लोग करते हैं भेड़ों को चराने के लिए। अभी हम लोग पहुँचे हैं अटल टनल के सामने, और यहाँ से जैसे ही हम टनल को क्रॉस करते हैं, बीआरओ ने ये टनल बनाई थी, क्योंकि लद्दाख जाना पहले होता था बहुत मुश्किल स्नो की वजह से, रोहतांग पास क्रॉस, अब ऊपर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा आप टनल के अंदर से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही टनल को पार करते हैं वहाँ से ऐसे नज़ारे दिखते हैं, और ये बहुत सारे बाइकर आ रहे हैं। बाइक राइड करना लद्दाख में हर किसी राइडर का ड्रीम होता है, तो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर लिखेगा कि हम लोग बाइक से राइड करें या ना करें। अटल टनल पार करने के बाद में ज़्यादातर जो एरिया है वो स्नो का दिखता है, और यहाँ से ही लगभग सारे पासेस शुरू होते हैं। हमारे सामने जो पहाड़ दिख रहा था वो था रोहतांग का, जो कि चोटी थी, पहले ऊपर से आना पड़ता था, और हमने गाड़ी से अभी राइड शुरू कर दी। हम लोग हैं 3 जने,
यहाँ पे जो रोड है ना जिगजैग पूरी ड्राइविंग होती है, कहीं कहीं रोड पे गड्ढे भी होते हैं, तो ऑफ रोडिंग के लिए आपको लेके आनी पड़ेगी यहाँ पे एसयूवी गाड़ी, वो बेहतर रहेगी। लोग छोटी गाड़ियों से भी आते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी सेलेक्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सबका ड्रीम है कभी ना कभी ले आना, तो अब सब अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं, कुछ रह गए हैं तो डरो ना, आप हमारा वीडियो देखो और ले के नज़ारे का आनंद लो, पूरा ले टूर कराएंगे आपको। जसपा रुकेंगे आज रात को, कैंपिंग करेंगे वहाँ। सैंडी भाई, गाड़ी मैंने आपको इसलिए दी है कि सबसे बढ़िया ड्राइवर मेरे को आप लगते हो, और हमारी सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर भाई सब आ जाते हैं, लेकिन चलाना गाड़ी खासी खेल नहीं है, मैं भी अपने आप को ड्राइवर मानता हूँ, लेकिन मैं सैंडी के आगे इतना बढ़िया ड्राइवर नहीं मानता अपने आपको, ठीक है ना। और ऊंची गाड़ी तो जरूरी है, लेकिन यहाँ ड्राइवर भी बढ़िया होना सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। बहुत तो बड़ी जो नीचे से लोग आते हैं ना, हरियाणा से पंजाब से, उनकी एक गलती है, जैसे ही निचाई का रास्ता देखते हैं न्यूट्रल पे डाल देते हैं गाड़ी तेल बचाने के लिए, कभी ना करें ऐसी हरकत, गाड़ी की ब्रेकें फेल होती हैं, 95% एक्सीडेंट उतरते हुए होते हैं। जो पेट्रोल पंप दिखाया ये सबसे आखिरी है, पहले भी बताया था, इससे आगे पेट्रोल पंप नहीं है 300 किलोमीटर के फासले पे। तो यहाँ मैगी वैगी खाएंगे, सुबह से समोसे खाए हैं बस। राजमा चावल, दाल चावल और चिकन चावल भी है, तो मैं दाल चावल खाऊंगा। अटल टनल क्रॉस करने के बाद में ज़्यादा बड़े होटल आपको मिलेंगे नहीं, छोटे छोटे कैफ़े होते हैं, और यहाँ पे हल्का फुल्का खाना आपको मिल जाता है, दाल चावल, मैगी या छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ पे ज़्यादा हैवी फूड अगर खाते हैं तो उससे माउंटेन सिकनेस भी हो सकती है, तो इसीलिए छोटे छोटे कैफ़े यहाँ पे होते हैं, जिन पे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की कॉफ़ी। शाम के 5 बजने वाले हैं और यहाँ खाना वाना हो गया, अब निकलते हैं थोड़ी तेज़ी से, रुकेंगे कम, जब मंजिल पहुँच जाएंगे तब आपको दिखाएंगे ड्रोन शॉट। क्योंकि अब शाम के 4-5 बज गए तो ड्रोन शॉट में मेरे ख्याल से उतना क्लियरिफाई नहीं हो पाएगा। लद्दाख में जो ये फ्लैग आपको दिखते हैं जगह जगह कलरफुल से, ये हैं बुद्ध भगवान ने जैसे बताया था कि ओम मानी पद्मे हम के फ्लैग, मंत्र होता है जैसे हवा इनके अंदर से होके निकलती है, तो कुछ ऐसा कहना है तिब्बतियन लोगों का कि ये सारे मंत्र हवा को शुद्ध करते हैं और प्योरीफाई करते हैं। हम लोग लेके आए आर्टिका गाड़ी, अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गाड़ी का इंजन थोड़ा सा पावरलेस हो रहा है, मतलब दबाव महसूस हो रहा है इंजन पे। मेरे को लगता भाई कुछ गलत टाइम पे आ गए हैं, इतनी ट्रैफिक, कितना भीड़ यहाँ, इतना ट्रैफिक, मैंने पहली बार आया था बिल्कुल खुल ले थे, लेट जाओ रोड पे तब भी 5-10 मिनट बाद एक ट्रक आता था, और यहाँ पर सब चीज़ें फुल हो चुकी हैं, शायद हमें कैंप ना मिले, फिर भी ट्राई करते हैं। कहाँ मिलेगा सैंडी कैंप भाई? देखो जिसपा में हो सकता है, जिसपा अच्छा। के अंदर हो सकता है मिल जाए कैंप, कोशिश रही ये रही कि लॉन्ग तो आ ही गया है, ये वाला रोड तो जा रहा है हमारा उदयपुर, उदयपुर है यहाँ पर भी है, पांगी उदयपुर, ये सच पास हो गए जम्मू कश्मीर निकल जाता है ना रास्ता, ये तभी राजस्थान नंबर की गाड़ियां दिख रही है किश्तवाड़। एक चीज का ध्यान रखें जी, अगर ले टनल से आगे अगर आपने आना है ना, तो कोशिश करें कि बुकिंग करा के ही आए, ऑनलाइन बड़े टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं बुकिंग कर देते हैं, 50-60 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, बट वो सुविधा रहती है। कैंप की भी बुकिंग होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैंपिंग की भी बुकिंग होती है, नाइट स्टे, ट्रैकिंग, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट अगर हमारी तरह बिल्कुल छठे मलंग हैं, एडवेंचर करना है, फिर तो भगवान का नाम लो और चल पड़ो, कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। बिल्कुल, बट फैमिली के साथ आओ और बच्चों के साथ स्पेशली, तो कोशिश करें
कि बुकिंग पहले से करा के आए एडवांस में। बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो भाई अपना राशन भी लेके चले हैं, कहीं रास्ता हालात ख़राब भी हो जाते ना तो हम गाड़ी में भी सरवाइव कर सकते हैं एक रात को। तो जसपा लेंगे कैंप हम, कि जितना पहले पहुंच जाएंगे ना यहाँ पर उतना ठीक है, अगर रात को निकलेंगे ना रात को पहुंचेंगे तो चार दिन के डबल हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं हम इनको कहीं और मिलेगा नहीं, तो दिन दिन में ही ले लेते हैं अपना जसपा, जितना जल्दी पहुंचेंगे वहीं पर कैंप करेंगे। पे आके हम अपने आप को रोक ना सके, यहाँ रुके हम, वो सामने ग्लेशियर बहुत प्यारा, अब चाय का असर दिखने लगा है थोड़ा सा, बोलते हुए सांस चढ़ने लगे है, और जैसे जैसे ऊंचाई से बढ़ती जाएगी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन सर में दर्द और सारी चीज़ें अभी तक नहीं हुई है पिछली पार की तरह। आज हमारा स्टे रहेगा जसपा वैली में, क्योंकि सभी लोगों का मन है यहाँ पर रुकने का, यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिखते हैं, हम लोग करेंगे यहाँ कैंपिंग, और यहाँ पे जो होम स्टे है वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो बेहद शानदार सुंदर और अद्भुत है, यहाँ से नज़ारे भी ऐसे दिखते हैं ना कि मतलब लगता है कि मज़ा आ गया। आप भी देखिए और एंजॉय कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।